हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो आज एक डिफरेंट व्लॉग शूट होने वाला है। अभी आप लोग पीछे देख सकते हो, यहाँ पर लगी है हमारी गाड़ियाँ और बहुत ही प्यारी लोकेशन है। तो यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं कैंपिंग। तो बहुत सारे लोग ना कमेंट वगैरह करते हैं, मैसेज वगैरह करते हैं कि भाई हम भी घूमना चाहते हैं, कैसे करें क्या करें। तो अब तो हमने चलो गाड़ी अपडेट कर दी है, बड़ी गाड़ी है, लेकिन पहले हम भी अल्टो से ही ट्रैवल करते थे और इसी जगह पर मैंने पहले कैंपिंग करी थी। सेम जहाँ पर मैं खड़ा हूँ इसी जगह पर, और वहीं से मेरी पहली वीडियो जो है वायरल भी हुई थी, वहीं से मेरा चैनल चला था। तो अल्टो में हम कैंपिंग करते थे, मैं और कुकू सोते भी थे उसी में, खाना पीना रहना सब उसी में। तो हमारे पास सामने एक खड़ी है स्विफ्ट, और उसके ओनर से आपको अभी मिलाएंगे। तो मिलिए हमारे कीटांशु ब्लॉग से। तो ये है भैया एंड भाभी जी, जिनके साथ हम कुछ दिनों से कैंपिंग कर ही रहे हैं। तो सबसे पहले भैया और भाभी, आपके चैनल का नाम कीटांशु ब्लॉग्स क्यों है? जी, कीटांशु इसलिए क्योंकि मेरा निकनेम किट्टी है, इनका निकनेम अंशु है, तो वो हमारा हैशटैग है कीटांशु ब्लॉग, मतलब कीटांशु तो उसका हमने ब्लॉग लगा दिया। हाँ, बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इनके पास जो गाड़ी है वो है स्विफ्ट, और स्विफ्ट में ही हम साथ में, ये तो मुझे भी पता है, और अभी ये आपको एक्सप्लेन करेंगे, भाभी जी एक्सप्लेन करेंगे ढंग से कि इन्होंने गाड़ी में किचन और सोने की व्यवस्था और बाकी वॉशरूम और पानी की सारी जो है इसी गाड़ी में कर रखी है। तो हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले जो आपने अंदर मॉडिफिकेशन करी है बेड की, है ना? हाँ, उससे हाँ, करते हैं। तो चलिए भाभी जी थोड़ा सा बताइए आप। जी, अब बेड हमने बनाने के लिए क्या गाड़ी में चेंजेस किया है, उसमें सिर्फ एक चीज है कि हमने जो बैकरेस्ट होती है ना गाड़ी की, हाँ जी, सिर्फ वो रिमूव करी है, और जो नीचे वाली सीट होती है वो मैं इधर से आता हूँ मैं। हाँ जी, ये गाइस थोड़ा सा नॉइस रहेगा क्योंकि इधर चावल बन रहे हैं हमारे। तो ये देखिए, ये हमारी सीट जो है ये नीचे एज इट इज है। अच्छा, बैठने वाली है? हाँ जी, और बैकरेस्ट हट गया है। ठीक है, ठीक है। और उसके अलावा ये पीछे एक बक्सा बनाया है। ओके, इसको दिखाते हैं अभी। ये सेम जैसे हमने भी अपनी गाड़ी में बना रखा है बॉक्स, वैसे ही है, लकड़ी का, है ना जी, प्लाई का। और उसके ऊपर आ जाती है ये, अच्छा, क्या कहते हैं इसको, प्लाई बोर्ड, प्लाई बोर्ड। हाँ जी, और ये सीट आगे चली जाती है। हाँ, फुल आगे जाएगी और फिर ये ऐसे खुल जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा साइज बन जाता है आपका 4x5.5 का बेड हमारा पूरा खुल, मतलब आप दोनों की लेंथ के हिसाब से परफेक्ट बन जाता है एकदम। अरे अल्टो में तो इतना भी नहीं बनता था हमारा बहुत अच्छी लेंथ है जी। उसके अलावा इसको ये सपोर्ट के लिए यहाँ पे ये बॉक्सेस हैं दो। ओके, जिस एक में हम जेरिकन कैरी करते हैं, एक के अंदर हम स्टूल या हमारा टॉयलेट सीट ये कैरी करते हैं, यहाँ पे सिलेंडर रहता है, इसके ऊपर हम कैंपर रख लेते हैं पानी का जब ट्रैवल करते हैं, जब ट्रैवल करते हैं, जब सोएंगे तब ये सामान बाहर निकल जाएंगे ना, तब सिर्फ सिलेंडर और जेरिकन बाहर निकालेंगे। हाँ, मतलब ये तो यूज हो रहा होता है ना पहले। हाँ, यस यस। इसके अंदर हमने स्टोरेज बनाई है, जैसे दो आगे बॉक्स है वैसे ही एक पीछे। ओके, डीप लग रहा है, काफी डीप है ना? अच्छा खासा है, देखो मतलब ये डब्बा ये इसके अंदर आराम से आया हुआ है, मतलब आधा फीट है ये। हाँ, इतना मान लो है, तो आधा फीट का इनका ये बॉक्स है, और इसमें इनके सारे के सारे सामान पड़े हैं, सिलेंडर पड़े हैं, खाने पीने का सारा यही। और मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे भी स्पेस है और वहाँ भी है। हाँ जी, यहाँ पे हम रख लेते हैं, जैसे ये टार्प रखी है तो हमारे पास ग्राउंड टेंट भी है, उसको फोल्ड करके भी यहाँ रख लेंगे। इस तरफ हम रख लेंगे अपनी चेयर। ओके, तो यहाँ पर इनकी चेयर, और जब यहाँ पे भी तो सामान रहता है, इसके ऊपर ये रह जाता है हमारा टेबल आ जाता है। अच्छा, इसको फोल्ड करके यहाँ पे रखते और हैं। कंबल वंबल सब इसके ऊपर, कंबल गद्दा सब उसके ऊपर आ जाता है, मतलब बिछा देते हैं हम वो, छोटा बेड बना के चलते हैं हमेशा। ठीक है, क्योंकि हमारा बेटा है तो वो कैसे बैठेगा, वो बेड बना देते हैं हम पीछे, वो लेट के बैठ के जाता है। तो गाइज ये बात नोटिस करने वाली, ये तीन लोग ट्रेवल कर रहे हैं इस गाड़ी में, दो लोग आगे बैठते हैं, तीसरा बंदा जो है पीछे, कभी भाभी जी या वो, मतलब पीछे लेट के भी जा सकते हैं, बैठ के भी जा सकते हैं। और इसके अलावा पानी का आपके पास कितने लीटर का स्टोरेज है और क्या क्या है? हाँ जी, पानी एक तो आपने देख लिया 20 लीटर का जेरी कैन है हमारे पास। हाँ जी, उसके अलावा ये 10 लीटर का कैंपर है, यूज आ जाता है, ये बर्तन वर्तन धोने के लिए सही रहता है इसलिए। उसके अलावा एक छोटा 5 लीटर का ये पीने वाले पानी, हमारे से भी ज्यादा स्टोरेज हो गई आपकी तो पानी की अच्छी खासी। हाँ जी, पीने वाला ये अलग से रखते हैं। इसके अलावा 3-4 बोतल 2-2 लीटर की, वो भी पीने वाला अलग से कैरी करते। गाइस वैसे एक बात बता दूं, ये मुझे सब पता है लेकिन आपको समझाने के लिए अच्छे से बता रहे हैं जी, कि ऑलमोस्ट 40 लीटर हो गया है ना। हाँ, आराम से, बहुत प्यार से, जो कि बड़े आराम से जो है काम निकल जाता है हमारा।
और किचन तो हमारा सामने दिख रहा है, फिर भी भाभी जी आप एक बार। हाँ जी, देखो हम क्या करते हैं कि ये टेबल को फोल्ड करके पहले इधर रखते हैं, इसके ऊपर हम कुछ लेयर वगैरह डालते हैं। okay. और सिर्फ हमारे पास ना ये एक बॉक्स है, इसके अंदर हमारा मसाला यूटेंसिल्स सब कुछ इसी के अंदर आ जाता है। इसको हम पैक करके उस टेबल के ऊपर रखते हैं, और साथ में ये बास्केट है जिसके अंदर फ्रेश वेजिटेबल्स वगैरह कैरी करते हैं। मतलब आपका सेटअप ऐसा है घर जाते ही सब निकाल सकते हो उठा के बाहर। हाँ, मतलब अटैच नहीं है गाड़ी के साथ, कुछ भी नहीं। और कुकिंग करने के लिए भी देखो ये खाली यहाँ से यहाँ निकाला, और यहाँ पे देखिए कितना बढ़िया से किचन इधर सेटअप हो रखा है, और सोना अंदर है तो अंदर सो जाओ, टेंट भी है उनके पास, उधर टेंट लगा हुआ है और उधर सब चिल चल रहा है बढ़िया वाला। और बाकी ये बाल्टी वगैरह, ये कोलैप्सिबल बकेट है, इसमें अभी मैंने बर्तन धो के रखे हैं, ये कोलैप्स हो जाती है और स्टूल्स के साथ ही रख देते हैं हम। ठीक है, कैंपिंग में यही चीजें बढ़िया रहती है। हाँ, बहुत सही रहता है नहाने के लिए, एकदम बेस्ट चीज है वो, हम यूज ही कर ही रहे हैं इसको एक दो दिन से। हाँ, बढ़िया। आप व्लॉग देखिएगा, उसके अंदर आपको सारा पता चल जाएगा हम सारी चीजें किस तरीके से यूज करते हैं, आपको डिटेल में सब पता। गाइस, चैनल का नाम ये रहा कीटांशु व्लॉग्स, सब्सक्राइब कर लेना, वीडियोस देख लेना। और इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का, इलेक्ट्रिसिटी का हम सोलर लाइट्स यूज करते हैं, उसके अलावा दो LED बल्ब्स हैं जो किसी भी पावर बैंक से जो हम कनेक्ट करके यूज करते हैं। अच्छा, सेम मेरी तरह ही। हाँ, मतलब मेरे पास बहुत लाइटें तो नहीं है लेकिन पावर बैंक से चल जाती है लाइटें ना, वो चल जाती है। और दो सोलर लाइट्स हैं। अच्छा, दो सोलर लाइट्स, धूप है तो हम उसको दिन में चार्ज पे लगा देते हैं और रात को यूज करते हैं। मतलब नो एक्स्ट्रा वो होता है ना बैटरी एक्स्ट्रा कैरी करना, एक्सटर्नल पावर बैंक है। उसके अलावा एक हमने छोटा कार इन्वर्टर, वो वेंट्रो का। वो तो भाई फेमस। हाँ, है कैंपिंग के लिए। हम ड्राइव करते हैं तो वो जो इक्विपमेंट्स हैं कुछ, वो हम उस दौरान उसको चार्जिंग पर, फास्ट चार्जिंग करनी है तो। हाँ, उससे हो जाएगी, उससे लैपटॉप भी हो जाता है, मेरा लैपटॉप। हाँ, भी उसी से होता है। वो 3-pin सॉकेट भी हैं, दो लगे हुए हैं, लैपटॉप चार्ज कर लो, मोबाइल चार्ज कर लो, कुछ भी। चलो बढ़िया है। बाकी आपने गाड़ी में देखा होगा उधर टॉयलेट सीट पड़ी है, ये जो है उधर हमारे वॉशरूम टेंट लगे हुए हैं तो उसी में जाकर के बढ़िया से यूज हो जाता है। तो टॉयलेट के ऑप्शन आपको पता ही है, एक तो ये हो गया, दूसरा खड्डा खोद के करने वाला हो गया, बाकी भाई कभी कभार होटल्स के आसपास या कहीं कर ले। हाँ, कहीं तो वहाँ यूज हो जाता है ना, वही। तो गाइज ये तीनों ही इस तरह से ट्रैवल कर रहे हैं और हम इनके साथ कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। और बहुत सारे लोग ना छोटी गाड़ी में सोचते हैं कि हो नहीं पाएगा, तो आप लोग देख सकते हो इस स्विफ्ट है और इसमें कितना कुछ है, तीन लोग सोते हैं अंदर, क्योंकि इसकी चौड़ाई जो है ना, कितनी चौड़ाई है भाई बेड की भाभी? बेड बन जाता है 4.5x5 का, 4.5 चौड़ा ना। हाँ, तो एक लिमिटेशन है जो 5.6 से ऊपर होगा ना वो अंदर आ नहीं पाएगा, बाकी उससे छोटी हाइट वाले आ सकते हैं। और दो लोग कंफर्टेबली और तीन लोग जो है आराम, मतलब थोड़ा सा मुश्किल में सो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये देखिए चैनल का नाम, और एक बार आपको इधर टेंट दिखा देता हूँ। ये टेंट जो है ना 3-4% है, शायद 3% बोलता है इसको डिकैथलॉन, लेकिन ये 6x6 का टेंट है। और इधर बिस्तर वगैरह, सामान वगैरह, लगेज वगैरह सब पड़ा हुआ है। और ऐसी लोकेशंस पे फिर भाई कैंपिंग करते हैं, खूब मजे। ऑप्शन देखो दो है, गाड़ी के अंदर और बाहर भी, कमी कोई नहीं है इस गाड़ी में। तो इसी तरह से अगर आप लोगों के पास भी कोई छोटी गाड़ी है तो आप बड़े आराम से कर सकते हो, स्विफ्ट है, टाटा की कोई भी गाड़ी है, टियागो वगैरह, और अल्टो भी है तो भी कर सकते हैं। और आजकल तो लोग भाई नैनो में भी कर रहे हैं, अगर कोई सोलो बंदा है तो नैनो में भी कर सकता है, दो बंदे हैं तो स्विफ्ट बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल है, तीन है तो भी मैनेज हो सकता है। इसी तरह से गाइस आप भी कर सकते हो। तो अगर आपको भी इस तरह के नज़ारे लेने हैं, ट्रैवल करना है, अगर आपको लग रहा है कि मुश्किल है, तो आप ऐसे ही हमसे एडवाइस ले सकते हो। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट कर देना मेरी वीडियोस में, मैं भी बता दूंगा। और उनसे कोई सवाल होंगे तो उनके चैनल में जाकर के आप पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो। और ऐसे ही कुछ और भी सेटअप अगर मुझे मिलते हैं छोटी गाड़ियों में, वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही था, बाकी आप लोगों से अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगी हमारी ट्रैवल से रिलेटेड।